लोकसभा चुनाव के बीच एक चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके तहत भारत में पिछले 65 सालों के अंतराल में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आबादी के धार्मिक आंकड़े की ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने गहन अध्ययन करने के बाद जारी की है। साल 1950 से लेकर 2015 तक की जनसंख्या के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट में पता चला है कि भारत में बहुसंख्यकों की आबादी घटी है और अल्पसंख्यकों की आबादी में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। यानी इन 65 साल में हिंदुओं की संख्या में 8% की गिरावट दर्ज की गई है, वहीं मुसलमानों की आबादी में 43.15% बढ़त देखने को मिली है। इस रिपोर्ट के आने के बाद राजनीतिक गलियार में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो साफ कह दिया कि रिपोर्ट भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की कांग्रेस की साजिश को दर्शाता है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं, ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने परसेंट है, हिंदू में कितने परसेंट है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 0.25%। ये 0.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टिकरण रोल रहा आजादी के बाद से। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, जो जनगणना 2021 से 22 में होना था वो 2024 तक नहीं हुआ, ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात की जा रही है। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। सरकारी पैनल की स्टडी 167 देशों में हुए सर्वे के आधार पर की गई है। यह स्टडी साल 1950 से लेकर 2015 के बीच यानी 65 सालों के आंकड़ों के अनुसार किया गया है। इस समय अंतराल में हिंदू आबादी में भारी गिरावट आई है, जबकि मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हुई है। बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी 1950 और 2015 के बीच 8% घट गई है, वहीं मुस्लिमों की आबादी में ओवरऑल 43% का इजाफा देखने को मिला है। इस तरह मुस्लिमों की 1950 में 9% रही आबादी 14% पर पहुंच गई है। वहीं ईसाई धर्म की अगर बात करें तो उनकी आबादी की हिस्सेदारी 2.20% से बढ़कर 2.36% तक हो गई है। ठीक ऐसे ही सिख समुदाय की आबादी 1.24% से बढ़कर 1.85% हो गई है। भारत के साथ ही नेपाल में हिंदुओं की संख्या में 4% और म्यांमार में 10% संख्या कम हो गई है। मुस्लिमों की संख्या की अगर बात करें तो बांग्लादेश ने मुस्लिमों की आबादी में वृद्धि का मामला सामने आया है, वहीं पाकिस्तान को भी ये पीछे छोड़ चुका है। जहां पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी 10% बढ़ी है, वहीं बांग्लादेश में 18% संख्या। ऐसे ही तमाम खबरों से अप टू डेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।